नगरपालिका सावनेर द्वारा शहर का कचरा एकत्रित कर उस पर प्रोसेसिंग करने हेतु चिचपुरा पुराना बैतूल नाके के करीब बनाए गए डंपिंग यार्ड में पिछले 10 दिनों से निरंतरता से आग लगने से परिसर में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र में दमा, अस्थमा, सूखी खांसी, एलर्जी जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित होकर उनके स्वास्थ्य पर बनाई है। बता दें कि पिछले कुछ दिन पूर्व डंपिंग यार्ड में आग लगने से धुएं के गुब्बार के साथ साथ क्षेत्र में गंदगी बदबू ने कोहराम मचाना शुरू किया, जिससे क्षेत्र के नागरिकों ने इसकी शिकायत नगरपालिका मुख्याधिकारी और भूतपूर्व नगर सेवकों से किए जाने पर मुख्याधिकारी हर्षला राणे, भूतपूर्व नगर सेवक लक्ष्मीकांत दिवटे, सुनील चाफेकर आदि सहित घटनास्थल पहुंचकर नगरपालिका सावनेर की दमकलों से उक्त आग बुझाकर इस विकराल बनती समस्या से आगामी 2 दिनों में निजात दिलाने का आश्वासन देकर उग्र भीड़ को शांत किया। लेकिन उसके बाद भी हर 1-2 दिनों में फिर आग लगने की घटना घटित होने से यह आग लगती है या लगाई जाती है, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म होकर क्षेत्र के नागरिक अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नजर आ रहे हैं। बता दें कि उक्त डंपिंग यार्ड के देखभाल का ठेका नागपुर वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1,80,000 रुपए महीने से देकर शहर से निकलने वाले इस कचरे से खाद निर्माण और अन्य प्रक्रियाएं कर वेस्ट को वेस्ट बनाने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन उक्त कंपनी अपने कार्य और जवाबदेही से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। साथ ही विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डंपिंग यार्ड संचालक बढ़ते तापमान की आड़ में खुद ही अंगाल लगाते हैं, ऐसा दबी आवाज में बोला जा रहा है। समय रहते जानलेवा बनती जा रही इस समस्या का निराकरण न होने से क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को दमा, अस्थमा, टीबी, खांसी, एलर्जी जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। वहीं नगर प्रशासन का ढुलमुल रवैया अपनाकर जब भी आग लगती है अपनी अग्निशमन दल को भेज खानापूर्ति करती नजर आ रही है। समय रहते मुख्याधिकारी, नगर परिषद सावनेर और संबंधितों ने उक्त समस्या का हल नहीं निकाला तो परिस्थिति नियंत्रण से बाहर निकल सकती है। एक और जहां लगातार लगती आग से परेशान नागरिकों के घरों के आसपास ही नहीं तो घरों में हवा के माध्यम से उड़कर पहुंचने वाले कचरे की दोहरी मार सहने को विवश है। डंपिंग यार्ड की आग के विषय पर मुख्याधिकारी हर्षला राणे की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन वे कार्यालयीन कार्य से मुंबई होने से प्रतिक्रिया प्राप्त ना हो पाई। वहीं नगर परिषद सामने के प्रशासक और विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्री ने कहा कि उक्त घटना की उचित जांच कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से सजग रहने की बात कही। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल ने आवाज उठाया। मेरा कहना यह है कि ये सबसे पहले ये जो डंपिंग यार्ड है ये यहाँ से पूरा हटना चाहिए। ये धूल की वजह से सबको दमे की बीमारी, स्वास्थ्य की बीमारी सब हो रही है। शाम को ना कूलर लगा के सो सकते हैं, ना अच्छे से खाना खा सकते हैं, और किसी को भी बोले तो कोई राजकारणी अपना राजकारण कर रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे। बहुत साल से कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही सीओ मैडम के साथ बात की, सीओ मैडम को बोला, उन्होंने बोला कि 1 दिन में भाई बंद कर देता, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। सीमा के अंदर नहीं होना चाहिए, ये हमने बार बार उनको बताया। ये डंपिंग यार्ड कुछ साल पहले अच्छा था, यहाँ बैठने की जगह अच्छी बनाई थी, लेकिन अभी क्या हुआ तो यहाँ भी खड़ा भी नहीं रह सकते। सावनेर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में यहाँ देखा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से इसी प्रकार से रोज अंगार लगती है और इसे बुझाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी ये अंगार लगती ही जाती है। और ये जो धुएं का गुब्बार देख रहे हैं आप, मेरे पीछे में देखिए कि पूरा धुएं का गुब्बार उठते जा रहा है, और ये धुआं इतना जानलेवा है कि यहाँ सांस लेना भी दुभर होते जा रहा है। ऐसे में इस परिसर में रहने वाली बस्तियों में दमा, अस्थमा, त्वचा के रोग, एलर्जी, इस प्रकार की बीमारियाँ अपना घर करने लगी हैं। इन BCN के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर। सावनेर से इन BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।